हेलो एवरीवन, दिस इज रितेश ननवानी। वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज है 26 अप्रैल, ऑलरेडी रात के 9:30 बज गए हैं, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफी सारे लोगों की मेरे पर रिक्वेस्ट आती है इंस्टाग्राम पे एंड कमेंट्स में कि डेली रखो वीडियो एनालिसिस की, ताकि काफी सारे लोगों को इससे हेल्प मिलती है, वो डेली अपने आपके एनालिसिस के बेस पे छोटा मोटा प्रॉफिट बना पाए, नहीं तो काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। अभी हम निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं, मार्केट कहाँ से कहाँ तक की मोमेंटम कर सकता है। सिंपली आप देखो, निफ्टी की अगर हम बात करें, यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है, डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम की आपको जरूरत नहीं है। पहली बात ये समझो कि प्रीमियम्स 2 दिन कैसे मूव करेंगे। अभी 2 दिन से मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मार्केट में प्रीमियम गेन हो रहा है। कल एक गैप अप आया, यहाँ से कल एक छोटी सी मोमेंटम गैप डाउन के बाद में ऊपर की तरफ हुई, तो 2 दिन मार्केट थोड़ा सा बुलिश होने की कोशिश तो किया, बट अच्छी तरह बुलिश नहीं हो पाया। तो कॉल्स थोड़ी सी महंगी हुई है, ज्यादा नहीं। अभी कल मार्केट थोड़ी एक अपसाइड मोमेंटम और दे सकता है, 17,300 तक निफ्टी यहाँ पर जा सकता है, ऑलरेडी 17,200 चल रहा है। अब ये मोमेंटम गैप अप में आती है, इंट्राडे में आती है, पर आपको कैप्चर करने के लिए नहीं मिलेगी, ना ही आपको कैप्चर करनी है। सिंपली देखो, 17,200 तक निफ्टी आ चुका है, 17,300 पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, 380 के आसपास, 400 के आसपास एक और रेजिस्टेंस है, और ऊपर के लेवल्स पे आप ऑप्शन चेन पे जाके देखोगे, मैं भी अभी आपको दिखाऊंगा, कॉल राइटर्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो जब भी मार्केट ऑलरेडी एक मूवमेंट ऊपर की तरफ कर चुका है, आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, डायरेक्शनल ट्रेड आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 17,300 के आसपास निफ्टी आता है, तो 17,300 के आसपास हम यहाँ पर एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं, अगर यहाँ पर एक शूटिंग स्टार या एंगल्फिंग बेरिश पैटर्न मिलता है, या ऐसा कोई नेगेटिव कैंडल मिलता है, 17,300 के आसपास सेलिंग प्लान हो सकती है। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है इंट्राडे में, अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक होके रीटेस्ट होके गिरता है, तो आप इंट्राडे में निफ्टी को सेल कर सकते हो। लेवल कल के दिन देख लेना कि ये ट्रेंड लाइन कहां पर ब्रेक हो रही है, कहां पर रीटेस्ट हो रही है, इसी जगह बाइंग कहां पर निफ्टी में करनी है। निफ्टी में बाइंग में ऊपर के लेवल्स पर बाय करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, मार्केट को नीचे गिरने दो। 17,000 पे यहाँ पर गैप फिल होगा, इधर आएगा, यहाँ पर एक हैमर या कुछ बनाएगा, बुलिश होने की कोशिश करेगा, तो हम बाय ऑन डिप करेंगे 17,000 के आसपास। ऊपर के लेवल्स में हम बिल्कुल भी बाय नहीं करेंगे, इसका एक रीजन बताता हूं मैं आपको। ऑलरेडी मार्केट 2 दिन से ऊपर जा रहा है, कॉल धीरे धीरे महंगी हो रही है, कल एक मोमेंटम आएगी, कॉल थोड़ी और बढ़ जाएगी, पर थर्सडे रहेगा लास्ट एक्सपायरी डे। इसके लिए यहाँ पर ये चीज समझो कि 3 दिन से थोड़ा थोड़ा मार्केट जब ऊपर जाएगा, वो कॉल्स बढ़ जाएगी, और 17,300 के आसपास या 250 या 320 के आसपास कभी भी ऑप्शन सेलर कॉल साइड में आकर मार्केट को नीचे गिरा देंगे। ये चीज समझो बात को, जब भी प्रीमियम बढ़ता है, ऑप्शन सेलर उसको वहां पर जो है प्रीमियम्स को गिराकर मार्केट को साइडवेज करने की कोशिश करता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बाइंग मोमेंटम भी कह रहा हूँ 17,000 के आसपास। अभी निफ्टी चल रहा है 17,200, 17,200 से अगर वन साइड डायरेक्शनल मूवमेंट नीचे आ जाता है या गैप डाउन आ जाता है, 17,000 तक मार्केट गिर जाता है, तो 17,000 के आसपास यहाँ पर एक हैमर वगैरह देख के हम बाय कर सकते हैं। क्यों? जब 200 पॉइंट गिरेगा तो 17,000, 16,900, 16,800 इनकी पुट्स जो है ये महंगी हो जाएगी, और ये महंगी पुट्स जब एक्सपायरी में पुट सेलर्स आएंगे, वो मार्केट को अगेन बुलिश व्यू में देखेंगे और मार्केट वहां से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इस तरीके से ऑप्शन सेलर कैसे मार्केट को देख रहा है, इसके व्यू को, उसके व्यू को देख के भी आप मार्केट को थोड़ा सा समझ सकते हो, समझने की एटलीस्ट कोशिश कर सकते हो। तो 17,300 एक सेलिंग जोन है, नीचे 17,000 एक बाइंग जोन है, इन 300 पॉइंट के बीच में मैं कहीं पर भी ट्रेड नहीं करने वाला। ये 150 200 जो भी रेंज चल रही है ना आज की इंट्राडे की, जो भी रेंज रही 17,100 150 200, इसके पास में कोई भी बाय या सेल ट्रेड नहीं है, नो ट्रेड जोन है निफ्टी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। निफ्टी में बड़ी सेलिंग आएगी 16,900 के नीचे, 16,900 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करता है तो 16,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पर 16,900 के नीचे ही मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेरिश हूँ, ठीक है। ये हो गया कल का एनालिसिस निफ्टी के अंदर। अभी निफ्टी के ऑप्शन चेन पे हम यहाँ पर चलते हैं। सिंपली देखो, 17,200 के आसपास यहाँ पर कितनी कॉल राइटिंग है, 1,24,000 की कॉल राइटिंग अभी भी है, थोड़ी सी कॉल अनवाइंडिंग हुई है, पर इस चीज को समझो कि 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास की कॉल राइटिंग कोई छोटी कॉल राइटिंग नहीं है। 17,200 के नीचे मैं मार्केट को अभी भी देख रहा हूँ एक्सपायरी पे, हो सकता है कल वेनसडे को बुलिश हो जाए, 17,300 के आसपास आ जाए, बट ओवरऑल एक्सपायरी वाले दिन मार्केट 17,200 के नीचे शायद आ सकता है। 17,300 के आसपास भी यहाँ पर आपको 1.25 लाख की कॉल राइटिंग दिखेगी, मतलब दोनों जगह हैवी कॉल राइटिंग पड़ी है, मार्केट 17,200 के नीचे दिख रहा है एक्सपायरी के दिन। अगर हम यहाँ पर बात करें पुट राइटिंग की, तो 17,000 पे मैं बाय करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर 1.5 लाख की पुट राइटिंग है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। इस एक्सपायरी पे अगर 17,000 के नीचे ब्रेक हुआ, एक बड़ी मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकती है, 16,700 750 600 तक भी निफ्टी यहाँ पर गिर सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आईवी एनालिसिस करें, तो 17,200 के आसपास आईवी जो है यहाँ पर 19 है कॉल साइड में एंड 18-19 है पुट साइड में, तो आईवी लो है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज रह सकता है। कोई बड़ी मोमेंटम होना अभी मुझे यहाँ पर ऑप्शन चेन या चार्ट के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं यहाँ पर क्या मोमेंटम होने वाली है। सिंपली देखो, दो ही लेवल इंपॉर्टेंट है, ऊपर 37,000 का लेवल, नीचे 35,900 का लेवल। 35,900 के नीचे आप यहाँ पर बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हो, ऊपर आएगा 37,000 या 36,900 के आसपास
36,900 या 37,000 के आसपास अगर ऊपर आ जाता है तो अगेन ऊपर एक शूटिंग स्टार या नेगेटिव कैंडल देख के आप इसको सेल कर सकते हो। दोनों जगह सेलिंग की रहेगी, 35,900 के नीचे सेल, ऊपर 37,000 के आसपास सेल। बाय ओनली तभी करना है आपको बैंक निफ्टी को जब बैंक निफ्टी यहां पर नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आए, 36,000 के आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी आके सपोर्ट ले, 35,900 के नीचे ना निकले, 36,000 के आसपास आके एक हैमर या कुछ बनाएगा तो बाइंग प्लान होगी। 36,000 से अगेन 36,500 या 37,000 तक की भी ये मोमेंटम दे सकता है अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देके 36,600 जो आज का ट्यूसडे का इंट्राडे हाई लगा है 36,600 अगर फ्लैट ओपनिंग देके ये ऊपर ब्रेक होता है तो 36,600 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। 36,900 तक की मोमेंटम, 300 पॉइंट की मोमेंटम हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में कैप्चर कर सकते हैं। पर एक्सपायरी के लिए यही रेंज लग रही है, नीचे 35,500 ऊपर 37,000, 1,500 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी आपको साइडवेज होता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन सेम डेटा दे रहा है, 37,000 के आसपास कॉल राइटिंग है, 35,500 36,000 के आसपास पुट राइटिंग है, इसी के बीच में मार्केट साइडवेज होता हुआ आपको दिखेगा, कोई बड़ी मोमेंटम नहीं दिखेगी। इसलिए रेजिस्टेंस पर सेल, सपोर्ट पर बाय, और अगर 36,000 बीच में सपोर्ट बन जाता है तो बाय करेंगे, 35,900 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो 35,900 के नीचे हम सेल कर सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग देता है 36,600 जो इंट्राडे का आज का हाई बना है, छोटा रेजिस्टेंस बना है, इसके ऊपर निकला 36,600 के ऊपर, तो हम यहाँ पर भी बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं 200 250 300 पॉइंट के मोमेंटम के लिए। बाकी कल क्वांटिटी थोड़ी सी स्मॉल कर लेना, मैं भी थोड़ा कम ट्रेड करूंगा, आज काफी हैवी ट्रेड हो गए थे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज का। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा कैसे क्या क्यों ट्रेड करना है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।